Hey guys, my name is Firyoz Bhai and आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बन रहे हैं एक पुलिस ऑफिसर। सो बताओ मेरे कलीग्स कहाँ पे आतंक मचा है। पेरी द पुलिस ऑफिसर आ चुका है, इस पूरी दुनिया का सारा आतंक मिटा देगा। एंड ओ माय गॉड, सबसे पहले तो इन भाई साहब का आतंक मिटाए जाए। यार ये क्या चल रहा है यार, ड्यूटी के टाइम एक पुलिस वाला पुलिस स्टेशन के अंदर ही फूका फूकी कर रहा है। जी कौन से पुलिस स्टेशन में मैं आ गया हूँ, मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा। खैर कोई ना, इससे ज्यादा हम लोग कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते यार। जीटीए की पुलिस यार एक नंबर की नल्ली पुलिस है, तो यही गंदी गंदी हरकतें ये लोग करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, बाकी लोग नल्ले होंगे तो क्या हुआ, हम लोग तो एक अच्छे ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं, तो हम लोग क्राइम मिटाएंगे इस शहर का। तो चलो मैडम जी से बात करते हैं। मैडम जी बताओ कहाँ पे हो रहा है क्राइम। एक सच्चा ईमानदार और एक मजबूत दिल वाला पुलिस ऑफिसर ड्यूटी में आ चुका है। ऑफिसर पेरी, अभी अभी खबर आई है कि पास वाले बैंक में किसी नॉटी बॉय ने लूटपाट मचाना शुरू कर दिया है। जल्दी से वहाँ पे जाओ और उस नॉटी बॉय को मेरे पास जिंदा लाओ। ओके मैडम जी डोंट वरी, अभी जिम्मेदारी ऑफिसर पेरी की है। तो दोस्तों चलो यार चलते हैं बैंक में। बैंक में कोई बदतमीज व्यक्ति लूटपाट मचा रहा है, हमारे होते हुए इस शहर में लूटपाट कैसे मच सकती है। ऐसी की तैसी उस चोर उचक्के की, ओए चोर उचक्के मैं आ रहा हूँ तेरी बैंड बजाने। एंड बाय द वे गाइस, जब तक हम लोग जा रहे हैं उस चोर उचक्के की बैंड बजाने, मेक श्योर अगर अभी तक तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर दो। मस्त मस्त वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ यार, करना बनता है सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो यार इस वीडियो को लाइक भी कर देना। एंड चलो जल्दी बैंक चले। ओके तो गाइस हम लोग आई थिंक बस बैंक पे पहुंच ही चुके हैं। यस यार ये रहा वो वाला बैंक। एंड ओ माय गॉड यार वहां पे देखो क्या हो रहा है। यार वहां पे देखो यार, लगता है यार चोर ने हॉस्टेज वगैरह रख लिया है। ऐसा करते हैं यार, थोड़ा हम लोग पास जाते हैं पहले एंड यहाँ पे छुप जाते हैं। इस चोर को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग आ चुके हैं, वरना यार ये चड्डी पहना हुआ चोर डर जाएगा और हो सकता है कि इन भोली भाली मैडम जी को वो शूट भी कर दे। तो चलो पहले माहौल देखते हैं आखिर इस बैंक के अंदर का सीन क्या है। ओए देख लो सब लोग, मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, और अगर किसी ने हिलने की कोशिश भी करी तो इस मोटी का टकला उड़ा दूंगा मैं। अबे यार नंगे आदमी, मोटी किसे बोला, ज्यादा बदतमीजी करेगा तो तेरे को पूरा नंगा कर दूंगी, शेम शेम हो जाएगी तेरी। अरे वो मोटी ज्यादा होशियार मत दिखाओ, नहीं तो तेरे को गोली मार दूंगा। सॉरी भैया सॉरी। मैनेजर कितना टाइम लगेगा, जल्दी से तिजोरी की चाबी निकालना। हाँ भैया निकाल ले, बस दो मिनट रुको ना मम्मी। ओ माय गॉड गाइस, यार अंदर का बॉल तो कुछ ज्यादा खतरनाक हो चुका है। ये नंगा चोर हमारी भोली भाली मैडम जी को बस उड़ाने वाला है, तो हम लोग को जो भी करना है जल्दी करना पड़ेगा। तो चलो यार गोली पकड़ते हैं। एंड अब चलो यार हम लोग इस नंगे चोर को एकदम सरप्राइज देते हैं। सो 3 2 1 तेरी ऐसी तैसी नंगे चोर, जरा सी भी तुमने होशियारी दिखाई तो तेरा टकला मैं फोड़ दूंगा। अरे भैया पुलिस आ गई रे बाबा। हाँ भाई नंगे आदमी पुलिस आ चुकी है। एंड अब तुम अपने हथियार गिरा दो और कानून के हवाले हो जाओ, नहीं तो तेरी चड्डी फाड़ दूंगा। अरे भैया बात को समझो, अगर हम बैंक से चोरी नहीं करेंगे तो हम अपनी रानी को लिपस्टिक पाउडर नहीं ला पाएंगे, और अगर उसे लिपस्टिक पाउडर नहीं मिले तो वो मेरा खून पी जाएगी भैया। अबे बेवकूफ आदमी, तुम्हारी बीवी खून पिए ना पिए, लेकिन मेरे हाथों तुम्हारा खून जरूर हो जाएगा। फटाफट ये बंदूक फेंको, नहीं तो तेरा टकला फोड़ दूंगा। हम तो भाग रहे भैया, आप क्या ऐसी टैसी। अरे साले तेरी ऐसी कैसा चोर है, भागने लगा यार ये बेवकूफ कहीं का। रुक जा बे नंगे चोर, तेरे को आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। अरे भैया आप हमको काय की आखिरी वार्निंग दोगे, हम आपको छल्ली छल्ली कर देंगे। अबे रुको बे नंगे चोर, क्या कर रहा है, आपको हम गोली से भून डालेंगे। हमारी चोरी में विघ्न डालते हो, आपके चक्कर में मेरी रानी का लिपस्टिक पाउडर नहीं आ पाएगा, आपको छोड़ूंगा नहीं। अबे नंगे चोर मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने अपनी गोलियां चलाना बंद नहीं किया तो मैं तुझे गोली से भून डालूंगा। अरे भैया उससे पहले हम आपको भून डालेंगे। अरे यार तुम्हारी ऐसी की तैसी, रुक साढ़े तेरा बहुत हुआ, तूने बहुत बदतमीजी दिखा ली। 3 2 1 एंड। अरे भैया पेंट दिया है नहीं तो ज्यादा होशियारी दिखा रहा है तब से बेवकूफ आदमी। मेरा सारा टमाटो केचप निकल गया है नहीं तो बेवकूफ आदमी, तब से मैंने इसे इतने चांसेस दिए अरेस्ट होने के। पेरी द पुलिस ऑफिसर को मारने चला था बेवकूफ आदमी, इसकी बेवकूफी के चक्कर में इसकी आज जान चली गई। लेकिन ठीक है दोस्तों, हम लोग ने ये क्राइम सॉल्व कर लिया, एक क्रिमिनल का दी एंड कर दिया। चलो गाइस ऐसा करता हूँ, मैं जरा एम्बुलेंस को फोन कर देता हूँ, हॉस्पिटल वाले इसकी लाश को ठिकाने लगा देंगे। एंड लो भाई मैंने कर दिया फोन। एंड अब चलो हम लोग वापस चलते हैं, कोई और क्रिमिनल को पकड़ते हैं। पेरी द पुलिस ऑफिसर किसी क्रिमिनल को नहीं छोड़ेगा। ऑलराइट तो गाइस मेरे को अपना नेक्स्ट मिशन मिल चुका है। यार मेरे को बताया गया है यहाँ बीच में कोई दो बॉडी बिल्डर्स के बीच में लड़ाई हो चुकी है, बहुत ज्यादा घमासान युद्ध हो रहा है बॉडी बिल्डर्स के बीच में। तो हम लोग को यार उनको किसी तरह रोकना पड़ेगा एंड उन दोनों की जान बचानी पड़ेगी। एंड ओके दोस्तों आई थिंक यहीं पे वो लड़ाई हो रही है। हाँ यहाँ पे कोई बंदा मार तो रहा है। एंड ओ माय गॉड यार ये यहाँ पे क्या चल रहा है। यार ये तो एक चड्डी पहना हुआ बच्चा है एंड ये आदमी इस बच्चे को मार रहा है, व्हाट द हेक क्या चल रहा है ये। हेलो गाइस यहाँ पे क्या चल रहा है ये, और तुम लोग यहाँ पे इतनी तालियां क्यों बजा रहे हो। अरे ओ बच्चे मैं तुझे सीधा सीधा बोल रहा हूँ, मेरा डायपर तू वापस कर दे, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। अरे दादाजी लेकिन ये आपका डायपर नहीं, मेरा डायपर है, मेरी मम्मी ने ये डायपर मुझे बहुत प्यार से दिलाया था, प्लीज मुझे छोड़ दो। चल भाई झूठे बच्चे, तेरी ऐसी टैसी मेरा डायपर चुरा के बोलता है कि ये तेरा डायपर है, तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे वाह भाई वाह, क्या फाइट चल रही है, मजा आ रहा है, ऐसा घमासान युद्ध तो मैंने बहुत दिनों बाद देखा है। हाँ बिल्कुल सही बोला, बहुत मजा आ रहा है। ओह
माय गुडनेस गाइस, ये यहाँ पे क्या चल रहा है? ये बुड्ढे अंकल बेचारे भोले भाले बच्ची को मार रहे हैं उस बच्चे को डायपर लेने के लिए, एंड ये बदतमीज लॉस सैंटोस वासी फुल इस फाइट का मजा ले रहे हैं तुम लोग की ऐसी की तैसी। और बुड्ढे अंकल तुम्हारी तो बहुत ज्यादा खतरनाक वाली ऐसी की तैसी। चुप चाप ये फाइट रोक दो, मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, नहीं तो साले तेरा खोपड़ी फोड़ दूंगा। भैया पुलिस वाले अंकल हमें गोली मत मारना, हमें बहुत डर लगता है। हाँ हाँ नहीं मारूंगा बेटे, लेकिन बस तुम कोई होशियारी मत दिखाने की कोशिश करना, मैं धीरे से तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ और तुम्हें हटकर ही पहनाऊंगा, लेकिन अगर तुमने थोड़ी सी भी होशियारी दिखाई तो सीधा तेरे पिछवाड़े पे गोली मारूंगा। अरे भैया हम कुछ नहीं करेंगे, बस हमको मारना मत। ऑल राइट ऐसे रहना दोस्त मेरे। ओके चलो तुम्हें हैंडकफ लगाया जाए। ऑलराइट तो दोस्त तुम्हें हैंडकफ मैंने लगा दिया, एंड आओ मेरे पीछे आओ, तुम्हें तुम्हारी सही जगह पहुंचा दूं जो कि है जेल। अरे भैया जेल हमें नहीं जाना। दादाजी जाना तो पड़ेगा यार, जो आपने कांड किया है उसके बाद जाना तो पड़ेगा। एंड लॉस एंजेलिस वासियों शर्म करो, तुम लोग बेचारे भोले बच्चे की बैंड बजा रहे थे और तुम लोग चिल मार रहे थे। खैर इन लोग से भी क्या कहना गाइस, यार लॉस एंजेलिस के लोग थोड़ी सा सनकी रहते हैं तो वो लोग पागलपना हरकत करते हैं। देखो यार बेवकूफ आदमी अभी भी उछल रहा है। अबे पागल आदमी फाइट खत्म हो चुकी है। एंड भोले भाले बच्चे तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं एम्बुलेंस भेज देता हूँ, जो भी तुम्हें चोटें लगी हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें रिपेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू पुलिस अंकल, थैंक यू। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड बुड्ढे अंकल आप मेरे पास आओ, आपको अब आपकी सही जगह पहुंचाई जाए, जेल में पहुंचाया जाए। अरे भैया हमको छोड़ दो प्लीज, हम वादा करते हैं मार्च के बाद कभी लड़ाई नहीं करेंगे। बुड्ढे अंकल सिफारिश लगाने का टाइम बीत चुका है, अब आपको जेल में ही पहुंचाया जाएगा। सो चलो गाइस जल्दी से इन बुढ़ाऊ अंकल को हम लोग जेल में पहुंचाते हैं एंड अपना ये मिशन भी कंप्लीट करते हैं, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस हम लोग आ चुके हैं पुलिस स्टेशन में, चलो अपनी गड्डी को हम लोग पहले यहीं पे खड़ी कर देते हैं। एंड बुड्ढे अंकल को सीधा लॉकअप पे बंद करके आते हैं। सो बुड्ढे अंकल निकलो गाड़ी से, आपकी ऐसी की तैसी, आपको जेल में पहुंचाया जाए। अरे भैया छोड़ दो प्लीज। यार बेटे फालतू बातें मत करो, जल्दी से बस निकलो यार। अरे हाँ भैया निकल ले। ऑलराइट तो बुढ़ाऊ अंकल लव आपकी हथकड़िया खोल दी जाए। बहुत बढ़िया हथकड़िया खोल दी। एंड अंकल जी यही आपका अब नया घर है, यहाँ पे आप आराम से सो सकते हो और यहाँ पे आराम से आप हल्के हो सकते हो। ठीक है दोस्त, बाहर के सपने देखना छोड़ दो, कम से कम होगी तुम्हें जेल 10 साल की। क्या भैया 10 साल? हाँ भैया बच्चे को पीटा है तो 10 साल की जेल तो होगी। एंड यार चलो मैं जल्दी से आपका ये लॉक लगा देता हूँ। बहुत बढ़िया लॉक भी लगा दिया। एंड अब आराम से जेल में इंजॉय करिए, फुल चिल मारिए सर जी। सो यस दोस्तों आज हमने काफी ज्यादा क्राइम मिटा दिया है लॉस एंजेलिस का, एंड मजा आया। आई होप तुम लोग को भी आया हो। एंड अब मैं मिलता हूँ तुम सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।